सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की हम वीडियो में देखने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स को, ठीक है। तो ये हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम यूनिट वन को कंप्लीट कर रहे हैं। पहले तो यूनिट वन में हमारे कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये है हमारे यूनिट नंबर वन। तो इसमें हमने यहाँ तक आइडियल सॉल्यूशन तक कंप्लीट करा चुके हैं। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, पूरा पहले शुरू से देखते आना एंड देन आकर देखना, तो आपके अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं राउल्ट लॉ, रियल सॉल्यूशन एंड पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स, मतलब यहाँ पोर्शन तक। ओके, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं राउल्ट लॉ से। तो पहले हम समझते हैं आखिर ये राउल्ट लॉ है क्या, पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर इसका मतलब समझते हैं। दिस लॉ इज प्रपोज्ड बाय राउल्ट, अ फ्रेंच केमिस्ट इन 1886। यानी कि सीधी सिंपल बात है, राउल्ट के द्वारा दिया गया एक लॉ है जो कि हमारे थे एक फ्रेंच केमिस्ट 1886 में दिया गया था। इट स्टेट दैट, ये रूल कहता क्या है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि जो किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के। तो अब ये हमारा प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाएंगे तो हमारी पी नॉट आ जाएगा। अब ये पी नॉट क्या है, पी नॉट है हमारा कांस्टेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जो हमारा सॉल्वेंट होगा सॉल्यूशन में उसका एक कांस्टेंट वेपर प्रेशर होगा, वही हमारा पी नॉट है, ठीक है। सिंपल रूल है, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यही इक्वेशन है हमारी, वेयर लिखा हुआ है पी हमारा पार्शियल प्रेशर, पी नॉट हमारा कांस्टेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एक्स है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और उसकी इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बनती है वो भी देख लीजिए, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एट अ गिवन टेम्परेचर। ये इसके बेस पर दी हुई है डेफिनेशन, मतलब ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये इज डायरेक्टली मतलब इज इक्वल टू वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर पी नॉट एंड मोल फ्रैक्शन एक्स के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल, ठीक है। ये इसके ब्याप में है एंड ये वाली ऊपर वाले के ब्याप में है। नेक्स्ट बात करते हैं, द वेपर प्रेशर सर्व्स एज ए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन फ्रॉम डिस्क्राइबिंग द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल कंसेंट्रिंग अ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड ए एंड बी। अब ये जो लिखी हुई है लाइन, इसका मतलब आपको आगे समझ आएगा, ठीक है, आगे समझाऊंगा ग्राफ की मदद से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द आइडियल एंड रियल सॉल्यूशन। अभी हमने पिछली वीडियो में बात करी थी आइडियल सॉल्यूशन और कुछ रियल सॉल्यूशंस की, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो सॉल्यूशन हमारे राउल्ट्स के लॉ को ओबे करते हैं वो हमारे आइडियल सॉल्यूशन है। तो मतलब ये हमारे एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉ हो जाता है किसके डिटरमाइनिंग में, आइडियल एंड रियल सॉल्यूशन के डिटरमाइनिंग में। तो गाइस, ठीक है, इसको थोड़ा मैथमेटिकली सेट कर लेते हैं देन उसकी हम ग्राफ के बेस पर समझेंगे इसको, ठीक है। तो पहले बात करते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए यानी कि पी ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी पी बी, मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड ए एक्स ए, मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड बी एक्स बी, ठीक है। चारों टर्म हमने ले ली। द राउल्ट लॉ मे बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इनटू मोल फ्रैक्शन। ये वही इक्वेशन लिखी हुई है जो हमने पीछे पढ़ी थी। तो अब क्या होगा, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इनटू मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हम पहले लेते हैं लिक्विड ए के लिए, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, ठीक है, दोनों की इक्वेशन बन जाएगी। अब पी टी, पी टी क्या है हमारा टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा पी ए प्लस पी वी, ठीक है, सिंपल इक्वेशन है। अब इसी को हम समझेंगे ग्राफ के बेस पे। पहले एग्जांपल देख लेते हैं, बेंजीन एंड टालुइन एंड इथाइल ब्रोमाइड एंड C2H5, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका ग्राफ। अब आप ग्राफ देखिए, ये हमारी एक्स एक्सिस है एंड ये वाई, ये एक्स, ठीक है। तो एक्स ए, एक्स ए हमारा ये है हमारा वन, तो एक्स ए जब हमारा वन था यानी कि ए की मोल कंसंट्रेशन हमारी वन थी, ठीक है। अब इसको हम जैसे जैसे आगे लेते जाएंगे तो एक्स ए की कंसंट्रेशन हमारी जीरो होगी एंड एक्स बी की हो जाएगी वन, क्योंकि एक्स बी की थी यहाँ पर जीरो। अब देखिए, जब हमारा पी टी यानी कि टोटल वेपर प्रेशर हमारा पी ए प्लस पी बी यानी कि इन दोनों की वेपर प्रेशर के इक्वल है हमारा, मतलब ना ज़्यादा ना कम, तो यहाँ पर क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होगा वो स्ट्रेट लाइन में ना लीनियर जाएगा ना कि किसी और झुकेगा, ठीक है, तो मतलब सीधे ही जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, टोटल वेपर प्रेशर जो है हमारा
वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी के बराबर है, मतलब पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब इसकी दो कंडीशन होंगी, किसकी, राउल्ट फ्लो की, यानी कि जब टोटल वेपर प्रेशर इनसे ज़्यादा आएगा या टोटल वेपर प्रेशर इनसे कम आएगा, ठीक है। अब दो कंडीशन क्या होंगी वो हम समझते हैं आगे। गाइस पहले समझते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, ये आपको जरूरी लिख के आनी है पेपर में, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। मैं आपको समझा दूंगा बहुत ही ईजिली तरीके से, ठीक है। इन सम लिक्विड सिस्टम द वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन द पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर अकर्स व्हेन द कंपोनेंट डिफर इन देयर पोलैरिटी, लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड मिक्सचर डिक्रीजेज एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सचर इज इंक्रीज। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, मतलब हमारे कुछ लिक्विड सिस्टम ऐसे होते हैं जिनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर हमारा पी टी है, अब ये वेपर प्रेशर कंपोनेंट क्या है हमारा पी ए एंड प्लस पी बी, तो ये तो हमारे हो गए वेपर प्रेशर कंपोनेंट एंड ये होगा टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अब इसका पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, जो हमारे टोटल वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा पी ए प्लस पी बी की कंसनट्रेशन से, ओके। ये वही मतलब कह रहा है दिस टाइप, अब ये क्यों होता है, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर अकर्स व्हेन द कंपोनेंट डिफर इन देयर पोलैरिटी, यानी कि जो ये दोनों कंपोनेंट है हमारे वो उनकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है एंड उनकी लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेंज हो जाती है और उनमें कुछ डिग्री ऑफ एसोसिएशन देखने को मिलती है, ठीक है। अब इन सारे रीजन्स जो मैंने अभी बताए, पोलैरिटी में डिफरेंस, लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसके कारण हमारे जो लिक्विड का मिक्सचर होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है बहुत लो, यानी कि डिक्रीज हो जाता है, तो इसके कारण इनका वेपर प्रेशर हो जाता है इंक्रीज्ड, ठीक है। तो यही मतलब है पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि वेपर प्रेशर हमारा इंक्रीज्ड हो जाना, पॉजिटिव है यानी कि इंक्रीज, ये बात आप ध्यान रखना। अब ग्राफ देखिए, ग्राफ की मदद से आप समझोगे। सिंपल वाले में अभी पीछे बात करी थी हमने, तो सिंपल में लीनियर जा रहा था, ठीक है। तो अब लीनियर नहीं जाएगा, एक्स से ये मोल फ्रैक्शन की कंसंट्रेशन तो सेम रहेगी, बट आप देखिए थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, ठीक है, मतलब ऊपर की साइड उठ रहा है ये, और ये भी देखिए ये भी हमारा थोड़ा ऊपर की साइड उठ रहा है, तो मतलब पी टी की कंसंट्रेशन वेपर प्रेशर हमारा ज़्यादा है पी ए प्लस पी बी के वेपर प्रेशर से, ठीक है। यही हमारा कह रहा है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया, ये हमारा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी की, अब यहाँ पर ज़्यादा हो गया तो मतलब पॉजिटिव डेविएशन आ गया, समझ गए होगे आई होप। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। अब जैसे पॉजिटिव में ऊपर की ओर जा रहा था ग्राफ, इसमें नीचे की ओर जाएगा, सिंपल यही है, बस इसमें थोड़े से रीजन अलग हो जाएंगे, उसमें हमारा वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसमें हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, उसमें बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा था, इसमें बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो समझते हैं थ्योरी को। इन सम लिक्विड्स द वेपर प्रेशर इज लेस देन द सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर और इंडिविजुअल कंपोनेंट, यानी कि किस कोई कुछ कुछ हमारे लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनका वेपर प्रेशर कम हो जाता है किसके सम से, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट के। मैंने आपको बताया पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। अब जब ये हमारा टोटल वेपर प्रेशर है वो हमारा कम हो, मतलब इससे लेस हो जाएगा किससे, पी ए प्लस पी बी की वेपर प्रेशर से, तो वही बात है, दिस इज ड्यू टू हाई इंट्रैक्शन विद मॉलिक्यूल्स, हाई कोहेसिव फोर्स ड्यू टू हाई इंट्रैक्शन। अब ये होता क्यों, जो इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स में वो ज़्यादा होने लगता है, हाई कोहेसिव फोर्स लगता है एंड हाई इंटरेक्शन होता है, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इंक्रीजेज सो टोटल वेपर प्रेशर डिक्रीज। तो अब मेरी मानिए आप, सिर्फ आप पॉजिटिव वाले को याद कर लीजिए, नेगेटिव वाले अपने आप लिख जाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल इसके क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, एंड सेकेंड एग्जाम्पल इसका पायरीडीन एंड एसिटिक एसिड। अब इसका समझते हैं हम ग्राफ। अब ग्राफ देखिए, ग्राफ यहाँ पर पीछे क्या हो रहा था, ऊपर की साइड जा रहे थे क्योंकि वो पॉजिटिव डेविएशन थे, अब ये नीचे की साइड जा रहा है तो मतलब नेगेटिव डेविएशन, मतलब कुछ कमी हो रही है, तो वही बात है टोटल वेपर प्रेशर कम है पी ए प्लस पी बी के वेपर प्रेशर से, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसकी समझते हैं हम एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सिर्फ एक ही है, क्या, टू मीजर द वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, जो हमारे नॉन वोलेटाइल सॉलिड होते हैं उनके वेपर प्रेशर को ये मीजर करता है, कौन, राउल्ट लॉ। अब इसकी समझते हैं हम कुछ लिमिटेशन, यानी कि कुछ हद तक इसकी लिमिट, इससे ऊपर ये नहीं जा सकता, क्या है, एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल होता है, ओके।
एप्लीकेबल टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब ये उन सॉल्यूशन पर उन सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल होता है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमारा भरा रहता है। डज नॉट अप्लाई टू सॉल्यूट दैट अंडरगो डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। एंड जो हमारे सॉल्यूट्स होते हैं वो हमारे कुछ कुछ ऐसे सॉल्यूट्स होते हैं जो हमारे डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन दोनों में जा सकते हैं, बट ये हमारे उन सॉल्यूट पर बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा राउट लॉ हमारा फ्रीज होता हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। अब ये हमने सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड वाले टॉपिक में हमने कवर कर लिया है, बट यहाँ पे हम दोबारा कवर करेंगे इसको। ठीक है, पार्शियली मिसिबल लिक्विड नाम से समझिए, पार्शियली मिसिबल यानी कि पार्शियली यानी कि कुछ हद तक, मतलब कुछ पार्टी हमारा मिसिबल होगा। आर आल्सो नोन एज कंजुगेट लिक्विड, इनको हम कंजुगेट लिक्विड भी कहते हैं। कंजुगेट क्यों? क्योंकि ये कंजुगेट लेयर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, दीज आर दो सॉल्यूशन विच आर सॉल्यूट इन ईच अदर बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, यानी कि पार्शली, मतलब ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें जो हमारे दो सॉल्वेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक लिमिट तक ही मिक्स होते हैं, मतलब एक हद तक ही जाकर मिक्स होंगे, उसके बाद ये दोनों मिक्स नहीं होंगे। दिस लिक्विड मिक्स बट अ कंजुगेट लेयर फॉर्म्स बिटवीन बोथ लिक्विड दैट सेपरेट देम, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये एक सेपरेट लेयर बना देते हैं जिसको हम कहते हैं कंजुगेट लेयर, मतलब एक कंजुगेट लेयर फॉर्म कर लेंगे, दोनों सेपरेट हो जाएंगे अलग अलग, यानी कि देखिए ये फिनॉल है ये वाटर है अलग अलग है, बट एक कंजुगेट लेयर बीच में फॉर्म है जिसको हम कहते हैं कंजुगेट लेयर। एंड ये सॉल्यूशन होता है हमारा पार्शियली मिसिबल, एग्जाम्पल वही है सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल और वाटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बट वैन वी हीट द सॉल्यूशन सो कंजुगेट लेयर डिसअपीयर्स एंड बोथ कंपोनेंट मिक्स टुगेदर, मतलब जब हम इस पार्शियली मिसिबल लिक्विड को टेम्परेचर देते हैं, मतलब इसको हीट करते हैं, तो ये दोनों जो कंपोनेंट होते हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं। एंड द टेम्परेचर एट विच पार्शियली मिसिबल सॉल्यूशन बिकम कम्प्लीटली मिसिबल दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। एंड जिस टेम्परेचर पर आकर ये पार्शियली मिसिबल सॉल्यूशन आपस में मिक्स हो जाते हैं, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, हमने राउट फ्लो देख लिया एंड पार्शियली मिसिबल लिक्विड कंप्लीट कर लिया है। कहाँ तक कंप्लीट हो गया अब हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक, पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स तक। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी यूनिट कवर हो जाएगी हमारी। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।